चलिए, गुड मॉर्निंग। तो मेटल नॉन मेटल का वन शॉट हमारा चल रहा था, और बड़े सारे फैक्चुअल पॉइंट को हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। एक्चुअल में हम लोग तीन चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलर्जी। जैसे मेटलर्जी मतलब धातु कर्म को हमने पहले पढ़ा दिया, जिसमें आप लोगों ने धातुओं के अयस्क पढ़े, मेटलर्जिकल ऑपरेशन पढ़ा, भर्जन, निस्तापन, ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा ऊपरी ऊपरी तौर पर हम लोग वन शॉट के तौर पर समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलो ऑनलाइन वाले एक बार बता दो, अभी तो वो ब्लैक नहीं दिख रहा ना। ठीक है, चलिए। तो एक एक पॉइंट को हम लोग, जो जो लिखा हुआ है उसको हम लोग काफी डिटेल फॉर्म में इलेबरेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने कॉन्सेप्ट नंबर 21 तक की पढ़ाई कर ली थी और देखा था जो सौर हवाएं हैं वो किससे बनी रहेंगी, तो प्लाज्मा से, क्योंकि ये सूरज से या किसी भी तारे से बनती है जिनका टेम्परेचर लिटरली बहुत हाई रहता है। अच्छा, प्लाज्मा आप सबने सुना भी होगा, ये पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ की कुल कितनी नोन स्टेट हम लोग लेते हैं, कितनी ज्ञात अवस्थाओं को लिया जाता है? पांच। कौन कौन सा है? ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जो नील बोस का नाम दिया जा रहा है ना, वो भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, तो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के साथ एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सत्येंद्र नाथ बोस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट में याद रखना, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के मिक्स फॉर्म में इस स्टेट को नाम दिया गया, तो भारत के लिए बहुत प्राउड की बात है और उसको तुम लोग भूल जाते हो। ठीक है, क्या सच में टेलीग्राम बंद हो रहा है? अरे, उसका मालिक जेल गया है। टेलीग्राम बंद होना नहीं होना अभी देखा जाएगा। हाँ, मगर ये है, टेलीग्राम बंद होने से ना पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बड़ा नुकसान होगा, है कि नहीं जी? क्योंकि हमारा तो सारा सिस्टम ही टेलीग्राम से चल रहा है। अभी टेलीग्राम पे आप देखोगे तो जीत फाउंडेशन के ऑफिशियल में लगभग 20,000 बच्चे जुड़े हैं। व्हाट्सएप की औकात नहीं है 20,000 होल्ड कर लेने की, है ना? आइए, चलिए, अब जैसा भी है, पर वो टेलीग्राम वाला गलती करता था, हम लोग के केस में ही गलती किया था। मतलब वो नहीं देता, इंडिया को काउंट भी नहीं करता। मतलब मैं तो खैर, जो पूरा ऑल इंडिया का जो हेड है ना, मतलब नोडल एजेंसी का जो एकदम सुपीरियर है, तो वहां तक मैं नंबर वंबर लेके रख लिया, तो तुम लोग को नहीं देने वाला मैं। ठीक है, चलिए। लोहे के साथ कार्बन की रासायनिक यौगिक क्या कहलाता? अच्छा हाँ, पहले ट्रांसफार्मर का कोर किससे बना रहेगा? नरम लोहा। ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मैं जो चीजें आपको देने वाला हूँ ना, वो मजेदार रहेंगे। चलिए भैया, पहले तो ट्रांसफार्मर बनाया जाए। ट्रांसफार्मर आप लोग साथ में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है? ट्रांसफार्मर क्या रहता है? तो सर ऐसा, ये पार्टली तो स्ट्रक्चर रहता है, अलग अलग इसमें वो लगाए जाते हैं, ठीक है, दो तीन लेयर का ऐसा पूरा बनाया जाता है। ठीक, ओके। अब होता क्या है इसमें, इसमें सर कॉइलिंग की जाती है, वायरिंग की जाती है। तो लाइक ये इनपुट करंट रहेगा हमारा, ठीक, इसका कोई अपना लेंथ होगा, कोई अपना एरिया होगा, और दूसरे साइड जो हमारा आता है, ये मैं पूरा ट्रांसफार्मर का सारा कॉन्सेप्ट आपको एक छोटे से सेक्शन में पढ़ा दे रहा हूँ। दूसरे साइड भी हमारी वायरिंग की जाती है, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए N1 टर्न्स है और यहाँ पर N2 टर्न्स है। N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कितने गोल घेरे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर पे सवाल ना बने ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ट्रांसफार्मर, पूरा ट्रांसफार्मर में आप लोग को एक लाइन के अंदर पढ़ा दे रहा हूँ, इसलिए मैं बोला ना कि भले ही आप लोग का आंसर दिख जा रहा होगा, पर पढ़ा कौन रहा है वो मायने रखेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में पहला नंबर फैक्ट, ट्रांसफार्मर मेन काम क्या करता है? आप सबने कई कई जगहों पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ देखा भी होगा। ट्रांसफार्मर दो टाइप के यूज किए जाते हैं, एक होता है डोमेस्टिक पर्पस से, जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलोगे, और दूसरा क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का मेन काम जो है, पहला नंबर काम, ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन करता है। क्या करता है सर? विभवांतर जो होता है हमारा, ठीक है, विभवांतर, उसे क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। विभवांतर वेरी करता है, मतलब परिवर्तित करता है, समझ में आया? अब विभवांतर परिवर्तित करेगा तो आप सबने ओम्स लॉ तो पढ़ा है ना, वी प्रोपोर्शनल टू आई, सबको याद है? तो अगर विद्युत विभव में अगर परिवर्तन हो रहा है तो विद्युत धारा भी बदलेगी, नहीं बदलेगी? बदलेगी। तो ट्रांसफार्मर ना डायरेक्ट करंट को बढ़ाता घटाता नहीं है,
पर जादुई डिवाइस है। जादुई डिवाइस कैसे है, क्योंकि हम लोगों को करंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कोयला जलाना पड़ता है। अब एनटीपीसी के प्लांट है छत्तीसगढ़ में, कोरबा में चल रहा है, पुसौर में चल रहा है, जगह जगह जमनी पाली में चल रहा है, वो कोयला जला के क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं। ट्रांसफार्मर की कितनी खास बात है कि कोई कोयला नहीं जलाएगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ बढ़िया फिजिक्स यूज करेगा, 2 एम्पियर के करंट को 20 एम्पियर में बदल देगा, 18 एम्पियर अपने को फायदा, बिना कोयला जलाए, बिना यूरेनियम जलाए। कैसे? तो भैया ये क्या करता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है या घटा देता है। अब वोल्टेज जब भी बढ़ेगा घटेगा तो करंट का असर पड़ेगा ही, समझना है। इसीलिए आपका ट्रांसफार्मर वो जादुई डिवाइस है जो करंट को बढ़ाना या घटाना कर सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसलिए साइंस के क्षेत्र में सबसे बढ़िया डिवाइसेस में ट्रांसफार्मर को लिया जाता है। दूसरा, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बस इतना सा फर्क है, ये सवाल बन जाएगा जब मैं अपने एक आध 12th में एंट्रेंस दिया होगा ना कॉम्पिटेटिव उसका, तो उस पर ये प्रश्न आए हुए थे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो उसके परिणाम से करंट घटेगा, उल्टा होता है इधर। ओम्स लॉ लगता जरूर है बट वहां पर नेचर अलग हो जाता है, यहाँ पे वोल्टेज घटा के करंट आउटपुट करंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को पता है कारखानों में हम लोग 440 वोल्ट यूज करते हैं, अरे करते हैं ना जी, और घरों में 220 वोल्ट। तो उस हिसाब से डोमेस्टिक पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से आप ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन अलग अलग करते हो। सर टीचर वैकेंसी कब तक आएगी? अरे पढ़ते रहिए जी, टीचर वैकेंसी आना तो अभी बजट वजट मिलने वाला है राज्य सरकार को, बढ़िया पैसे ही पैसे होंगे, उसके बाद तो वो कंप्लेन नहीं रहेगी कि हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, ट्रांसफार्मर में याद रखना इसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या रहेगी, नियत। ट्रांसफार्मर में ये सब पूछा जाता है, आवृत्ति क्या है, नियत है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और क्या पॉइंट, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भैया अगर आवृत्ति नियत है तो ऊर्जा भी नियत रहेगी। तो आप बोलोगे सर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अभी रिसेंटली 2022-23 में रेलवे एसएससी में ये क्वेश्चन बन के आया। इसके अलावा अननोन ने प्रेरकत्व के सिद्धांत पर आधारित है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसफार्मर किस पर आधारित युक्ति है, तो अननोन ने प्रेरकत्व पर आधारित। इंग्लिश में से बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट है कि भैया ट्रांसफार्मर में आवृत्ति नियत रहती है अर्थात ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, करना कुछ नहीं रहता है। ये जैसे ये वायर आपको पतला दिख रहा होगा, अरे ये पतला दिख रहा है और ये थोड़ा मोटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं बनाया हूँ मोटा बनाया हूँ, ठीक है। तो ये एक वायर पतला रहता है, एरिया कम रहता है, एक का एरिया क्या रहते हैं ज्यादा, या इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे, इसमें ज्यादा या इसमें ज्यादा इसमें कम, इस हिसाब से ना वो स्टेप अप स्टेप डाउन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वोल्टेज बदलेगा, वोल्टेज बदलने से करंट भी बदलेगा, तो बिना कोयला जलाए हम करंट को एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारी बातें हो गई। अब एक बात और है, ट्रांसफार्मर के अंदर का जो कोर बने रहता है ना सर, ये कोर हम लोग सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं, नरम लोहे का बनाते हैं। किससे बनाते हैं भाई साहब, सॉफ्ट आयरन से। काहे भाई, सॉफ्ट आयरन का क्यों बनाना है कोर, क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत धारा आ रही है ना वो गोल घूम रही है, वह हेलिक्स से होके जा रही है। तो जब करंट गोल घूमती है ना तब आपको पता है उसके मैग्नेटिक इफेक्ट और ये सारी चीजें भी अस्तित्व में आएंगी, और उसके कारण होता है हिस्टेरेसिस लॉस। क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस, हिंदी में से बोलते हैं शैथिल्य हास। क्या नाम देंगे, शैथिल्य हास। ये हिस्टेरेसिस लॉस अपने आप में एक लॉस है जो हमारे करंट की वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। एडी करंट बनने लगेगा, एडी करंट मतलब भंवर धारा। अब भंवर धारा हमेशा प्रोड्यूस्ड करंट के अपोजिट चलती है, हमेशा क्या होता है, उत्पन्न धारा के विपरीत में चलती है, मतलब नुकसान कर रहा है ना हमारा। हम तो करंट ज्यादा बनाना चाह रहे हैं, उसमें अपने आप से एक नया जादू पैदा हो जा रहा है, भंवर धारा, हिस्टेरेसिस लॉस, जिसके कारण हमारा करंट का क्या हो रहा है, नुकसान।
तो हम चाहेंगे क्या वो नुकसान हो? ना, इसलिए हम लोग कोर सॉफ्ट आयरन लगा देते हैं, वो हिस्टेरेसिस लॉस को होने नहीं देता, एडी करंट को बनने नहीं देता। एक सवाल मैंने आप लोगों से कभी पूछा भी होगा कि मान लो एक मूवी आपने देखी होगी द बर्निंग ट्रेन, ट्रेन में आग लग जाती है, ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया रहता है, देखियो ना जी, और ट्रेन रुका ही नहीं जाता है, पूरा मशक्कत 2 घंटे तक फिल्म में यही दिखाया गया है कि ट्रेन को कैसे रोका जाए। पर मैं इतना बोलूंगा कि उस समय इंजीनियर लोग को एक चीज का, फिजिक्स का थोड़ा सा कम नॉलेज था, उन लोग आखिरी में ट्रेन को कोलैप्स ही कराते हैं, बालू उलू का एक पूरा प्लेटफॉर्म बना बना के उधर ले जाके ट्रेन को कोलैप्स कराते ही है एट द एंड। बट अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाती तो आप क्या करते? ब्रेक फेल हो गया अगर ट्रेन का, ट्रेन कंटिन्यू फ्लो में है, तो आप क्या करते? ट्रेन रोकना है आपको, और ट्रेन पटरी से भी ना उतरे इस बात का भी ख्याल रखना है। तो सबसे बढ़िया क्या काम करना है? हाँ जी, मैं कूद जाऊंगी सर। यही आया था ना विचार। चलिए, और कोई बढ़िया जवाब? दारा सिंह को लाएंगे सामने से, या नो साउथ मूवी के एक्टर लोग ऐसे मंत्र मंत्र पढ़ के वापस ट्रेन भेज देते हैं उन लोग। उसके लिए आप सबसे बेहतर काम ये कर सकते हो कि हैवी करंट को लाओ, पटरियों में फ्लो करा दो, ठीक है? ट्रेन के जो पहिए घूम रहे हैं वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप पहियों में करंट फ्लो करा दोगे तो एडी करंट जनरेट होगा, भंवर धारा जिसको बोलते हैं, वो गोल गोल घूमता है भंवर की तरह, वो हमेशा अपोजिट नेचर में बनता है। तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है पहिया तो एडी करंट अपना प्रभाव दिखाएगा, पहिया तो लोहे का बना है जी, करंट जा सकता है उसमें, तो पहिया अपना प्रभाव दिखाएगा और उसमें एंटी क्लॉक करंट बना के उसको जैम कर देगा, मतलब ट्रेन इंस्टेंट रुक जाएगी, ठीक है? पर हाँ, उससे खतरा ये है कि भैया पूरा बॉडी ही ट्रेन का लोहे का बना है, तो पैसेंजर्स को करंट मारा जा सकता है, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें और कुछ नहीं है, पर ट्रेन को अचानक से रोका जा सकता था अगर एडी करंट का यूज किया जाता। तो उस मूवी में ये छोटा सा दिमाग लगाना लोग भूल गए थे। तुम ना सिर्फ मूवी देखते हो तो खाली इंटरटेनमेंट के लिए देखते रहते हो क्या? मैं तो बढ़िया कल का वो सीन पढ़ा रहा था, उसमें वो सीन को मैं ऑब्जर्व किया था, अरे वाह, पीछे का लाइट नहीं आ रहा है, ऊपर का लाइट सोडियम लैम्प स्ट्रीट लाइट, क्योंकि तुम ही, हालांकि उस सीन का मैं वर्णन नहीं करूंगा। हाँ जी, हाँ, ये एसी पे बेस्ड डिवाइस है, ट्रांसफार्मर टोटली अल्टरनेटिंग करंट बेस्ड है, डीसी की संभावना है ही नहीं, ये डीसी में वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा? स्टेबल है, स्ट्रेट लाइन रहता है ना डीसी में, और ये तो वोल्टेज को बढ़ा रहा है और घटा रहा है, वो तो तभी संभव है जब अल्टरनेटिंगली फ्लो करें। तो ट्रांसफार्मर हमेशा प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है, दृश्य धारा पे काम नहीं करता। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक एक ऊपरी ऊपरी फैक्ट हमने समझ लिया। ये सवाल हमेशा पूछता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो क्या है? अनन्य प्रेरकत्व। ट्रांसफार्मर में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती? तो भैया वोल्टेज बदल रहा है जिससे धारा भी बदल रहा है, सब कुछ बदलेगा, बस क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगा। आवृत्ति नहीं बदल रहा तो ऊर्जा भी बदलेगा क्या? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी बन गया। ओके, चलो अगले फैक्ट में आते हैं, इंपॉर्टेंट था, सब लोग लिख लियो ना? हाँ जी, साथ में लिखते भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट नंबर 23, लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक क्या कहलाता है? सेमेंटाइट। मैंने लोहे के आप लोग को ओर्स पढ़ाए थे, उसमें आपने पिछले क्लास में देखा था कौन कौन सा था, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेरीराइट, सिडेराइट। सेरीराइट, सिडेराइट का फॉर्मूला क्या था जी? ये तो गलत बात है ना यार, अभी 2 दिन पहले पढ़े हैं, घर जाके नहीं पढ़ रहे तो फिर मतलब नहीं निकलेगा ना। क्या था? आयरन कार्बोनेट, FeCO3, ठीक है, आयरन कार्बोनेट। ऐसे ही एक हमने सेरुराइट भी पढ़ा था लेड कार्बोनेट के नाम से, तो सिडेराइट, सेरुराइट, ये सब याद रखना है अपने को, और घर जाके आप नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर। चलिए, तो आयरन अगर कार्बन के साथ अपना ओर बनाता है तो उसे क्या नाम देते हैं हम लोग? सीमेंटाइट। तो आयरन के पांच छह हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडुराइट, सेरुराइट, आपका सीमेंटाइट और लिमोनाइट, पांच छह अयस्क हैं आयरन के। ओके, हम लोग मेन दो जानते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कोयला गैस किसका मिश्रण होता है जिसको आप कोल गैस बोलते हो? क्या बोलते हो सर? कोल गैस।
कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या रहता है, हाइड्रोजन। ठीक है, इसी टाइप से एक दो और गैसेस का मैं लिखवा दे रहा हूँ। कोल गैस हो गया। आपसे एक पूछा जाता है सर अंगार गैस, क्या नाम है सर? अंगार गैस, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर गैस। वाटर जब स्टीम फॉर्म में रहे उसी को तो आप लोग अंगार या भाप बोलोगे, तो इसको हम लोग वाटर गैस के नाम से जानते हैं। ये किसका मिक्सचर होता है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। पूछता है ये, आपके परीक्षा में भी आ चुका है, शिक्षक भर्ती में भी। ओके, इसके अलावा आप लोग लिख लेंगे प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है जी? तो अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड, बस इस बार हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन। वाटर गैस में हाइड्रोजन, प्रोड्यूसर गैस उत्पादक गैस जिसे बोलेंगे, इसमें आप क्या लगाएंगे? नाइट्रोजन लगाएंगे। ऐसे ही आप लोगों से बोल देगा वेरी इंपॉर्टेंट लाफिंग गैस। एक मूवी थी ना अक्षय कुमार की, उसमें दिखाया गया है लाफिंग गैस के इफेक्ट को, सब लोग हंसने लगते हैं। क्या नाम था? नहीं, मूवी का नाम क्या था रे? हाउसफुल। मेरे को गैस के नाम से क्या लेना देना, वो तो तुम लोग को लेना देना है, मैं मूवी वाले में था। ये क्या होता है सर? नाइट्रस ऑक्साइड। हालांकि इस गैस के साथ दिक्कत ये है कि जेट प्लेन्स के थ्रू भी निकलती है ये, जो हवाई जहाज होते हैं ना, और ये ओजोन डिप्लेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट गैस है, मतलब ओजोन का क्षरण करती है, तो हानिकारक गैसों में ली जाती है। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन के लिए आप लोग क्लोरो फ्लोरोकार्बन को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते हो, देन फ्रेयॉन आता है, बट लाफिंग गैस जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी ओजोन डिप्लेशन में अपना रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा टीयर गैस। चलो टीयर गैस, आंसू गैस जिसको बोलते हो जी, है ना, बताएं कोई टीयर गैस क्या है? ये आप लोग का होमवर्क है, टीयर गैस। ठीक, क्लोरल सॉल्यूशन रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड। वाह रे वाह, सल्फर रह सकता है, मेन क्लोरीन रहता है। क्लोरीन से आंखों में इचिंग ज्यादा होती है। कभी कभी आप लोग पूल उल में नहाने जाते हो, जो स्विमिंग पूल रहता है ना अपना, तो आप देखते हैं कि उसको साफ करने के लिए पानी बार बार नहीं बदलते उन लोग, उन लोग ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन मिलाते हैं। और कभी आप लोग ऐसा पूल उल में गए होंगे तो आंखों में बहुत जलन लगती है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरीन ज्यादा है, तो क्लोरीन से आंखों में जलन ज्यादा होती है। और क्लोरीन कहीं ना कहीं इंसान के शरीर पे, स्किन पे अपना असर भी दिखाता है। इनफैक्ट अगर बच्चा माता के गर्भ में है, पहले तो क्लोरोफॉर्म देते थे ना ऑपरेशन ऑपरेशन करते समय बेहोश करने के लिए, अब नहीं यूज करते। कारण क्या है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन है, और अगर गर्भवती महिला है तो उसके क्लोरोफॉर्म के इफेक्ट के कारण बच्चा जब पैदा होता था ना, रिसर्च में पाया गया वो सारे बच्चे चिड़चिड़े पैदा होते थे, मतलब उनके कहीं ना कहीं जेनेटिकल एरर दे रहा था क्लोरीन। दैट्स वाई अब क्लोरोफॉर्म टोटली बैन कर दिया गया है। अब हम लोग मेडिकल पर्पस में एनेस्थीसिया के लिए किसका यूज करते हैं? प्योर इथर का। प्योर इथर के कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, ठीक है, मस्त सुलाता है। मेरे को जब सुलाए थे ना, तो मैं 10th में था, पर क्यूरियस बच्चा था ना, मैं मस्त बोल रहा था उन लोग को। मेरे जितने मेडिसिन चढ़ते थे ना, एक दो हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज था मैं पूरा का पूरा उनका केमिकल कंपोजिशन याद कर लेता था। फिर डॉक्टर लोग को बोलता था वो बेंजल्डिहाइड वाला नहीं लगाया आज। ठीक है, एक चीज और अच्छी मेरी थी कि मैं 9th में 11th और 10th में 12th की मेजर पार्ट को पढ़ा था, ठीक है, तो इसलिए बेंजल्डिहाइड मुझे 10th में याद होता था। आप लोग सोचेगा 10वीं के बच्चे को कहाँ बेंजल्डिहाइड पता होगा करके। चलिए, और थोड़ा ज्यादा जल्दी में था मैं। चलिए नेक्स्ट। वह तत्व तो जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसकी आदि होती है, क्या है ये? टाइटेनियम। और हमने इसीलिए आपको बोला टाइटेनियम कंट्री मेटल है, राष्ट्र धातु है, क्योंकि सारी मिसाइल, सारे जेट प्लेन्स इन्हीं से बनाने हैं। एक तो मजबूत भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, साथ में हल्का है, स्टील से क्या है, आधे वेट का है। अब मिसाइल आपकी एकदम भारी हो जाएगी तो ज्यादा दूर जा ही नहीं पाएगा ना, ठीक है। तो टाइटेनियम, जर्कोनियम, ऐसे मेटल्स को हम यूज करते हैं, और इन धातुओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? टाइटोनियम हो गया, जर्कोनियम हो गया, दे आर कंट्री मेटल, राष्ट्र धातु, क्योंकि इनसे सारे मिसाइल्स, जेट प्लेन्स, वायुयान, पनडुब्बी, ये सब इन्हीं से बनने हैं, जिससे एक राष्ट्र की ताकत छुपी रहती है। ओके, शुष्क चूने जिसको ड्राई आप लाइमस्टोन बोल सकते हो, पर क्लोरीन प्रोवाइड करने पर क्या बनता है?
सर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर ये ब्लीचिंग है, ये क्या है सर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है CaOCl2, सिंपल है, शुष्क चूना कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और उसमें आपने क्या किया क्लोरीन फ्लो करा दिया, तो ये बन गया CaOCl2, दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सवाल ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवाद है, किस रूप से अपवाद है, सबको पता है क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आता है हमेशा -1, सारे हेलोजन पे जनरली क्या चार्ज आता है -1, वैलेंसी पढ़े हो ना, ठीक। ये सवाल ना आप लोगों के हर एक बड़े एग्जाम में आ चुका है, आप जाके देखिए ये छत्तीसगढ़ एसीएफ जो कि बहुत बड़ा एग्जाम होता है 2017 के पेपर में था ये क्वेश्चन। सवाल ये पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो भाई साहब देखिए हम ले रहे हैं किसको, कैल्शियम को, लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है, उसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 बॉन्ड बना लिया एक साइड से, तो चलो क्लोरीन लगा दो, अब कौन बच गया, एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन, तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो ये ऐसा दिखेगा, बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक कैल्शियम यूज हो गया, एक ऑक्सीजन यूज हो गया, 2 क्लोरीन यूज हो गया, सही है स्ट्रक्चर हमारा, कैल्शियम ने 2 बॉन्ड बनाने थे 2 बनाया, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने थे इसने भी 2 बनाया, क्लोरीन हमेशा किस कितने बॉन्ड से जुड़ता है, सिंगल, सिंगल से जुड़ा है ना जी, चलेगा स्ट्रक्चर एकदम सही है, ये एसीएफ में भी आया है, आईआईटी का भी क्वेश्चन है ये, आई थिंक आईआईटी 1989 का क्वेश्चन है, आई थिंक देख लेना, ठीक है। तो ये जब मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा, आपको पता है ना एनएससीएल को आप ब्रेक करते हो तो एक पे क्या लगाते हो प्लस और दूसरे पे सिंगल बॉन्ड रहे तो 1+1-, अगर डबल बॉन्ड रहता तो 2+, क्लियर हो रही बात है, चलो तो वही कॉन्सेप्ट को हमको अभी यूज करने का है, इसको हटा रहे हैं हम। ठीक, सवाल बड़ा कॉमन है सर, नोट करके लिखते जाएंगे साथ में, इस बॉन्ड को आप तोड़ोगे, एनएससीएल को तोड़े थे, एनए पे क्या आता प्लस, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, धातु होता है, और सीएल पे क्या आता है तो विद्युत ऋणी पर ऋणावेश जाता है, विद्युत ऋणी तत्व पर धनावेश जाता है, ऐसे ही ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कैल्शियम पे मेटल है ना जी, कैल्शियम क्या है क्षारीय मृदा धातु, तो धातु पे हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, क्यों +1 लिखा, ये सिंगल बॉन्ड है, तो इस क्लोरीन पे क्या आ गया, बात खबर में आया, सिमिलरली इसको भी तोड़ोगे तो +1-1, तो कैल्शियम पे +2 आता है, आ गया +2, ये वाला तोड़ोगे तो एक और +1, तो टोटल +2, पर जब इसको तोड़ोगे तो भैया इन दोनों में ज्यादा नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन की क्लोरीन, ऑक्सीजन रैंक 1 नेगेटिव क्लोरीन, रैंक 2 ऑक्सीजन, थर्ड रैंक पे कौन आता है नाइट्रोजन, ये फिर आवर्त सारणी के 3 सबसे नेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, टॉप 3 नेगेटिव एलिमेंट में लिख लो क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उनके बाद आता है क्लोरीन की बारी, तो मामला यहां फंस गया है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो माइनस चार्ज ऑक्सीजन रखेगा जी, और क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम पे क्या ऑक्सीकरण अवस्था आएगा, तो +2, अरे ये वाला तोड़ोगे ना, ये वाला तोड़ोगे तो इस ऑक्सीजन पे एक और माइनस, इस पे क्या हो गया +1, ऑक्सीजन पे क्या आ गया जी 1-1-, टोटल, और ऑक्सीजन का आना भी माइनस पूछिए, पर क्लोरीन का क्या आया, तो ऊपर वाला क्लोरीन +1 ले रहा है, नीचे वाला, ये सवाल आया था आप लोग के आईआईटीज में भी आया है, एसीएफ में भी आया था कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पर क्या ऑक्सीकरण अवस्था आती है, ऑप्शन ए में डाल के देगा -1। अब हर बच्चा ये जानता है कि सर हेलोजन है तो माइनस तो आना ही आना है, तत्काल प्रभाव से ए आंसर ले लोगे, पता चल रहा ऑप्शन सी में डाल के दिया था +1-1 दोनों, और वही सही आंसर होगा, अपवाद है, क्लोरीन पे सामान्यता -1 चार्ज आता है, बट यहाँ पर +1-1 दोनों आया, और ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग काय में यूज करते हैं, बताएंगे कोई, ब्लीचिंग पाउडर को काय में यूज करते हैं, जल शुद्धिकरण में, है ना, जल की शुद्धिकरण, साथ ही साथ में रोगाणु नाशक के रूप में, घर में काई वाई जम जाता है कभी कभी देखे होगे, तो मम्मी लोग ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देती हैं कई बार, या चूना छिड़क देती हैं, ठीक है,
तो देखते हो काई वही सब खत्म हो जाता है, और जल में भी जो भी रोगाणु है बैक्टीरिया है उनको भी ये खत्म करता है। तो जो शिवनाथ से पानी आता होगा, और आपके बड़े बड़े टंकी आप लोग देखे होंगे जहां से पूरे इलाके में पानी सप्लाई करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर इस ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाता है, क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती हैं। चलिए, हाँ कपड़े उपयोग में उसके रूप में, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी लिख लो, टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल बोल दिया तो वस्त्र उद्योग में। अच्छा, ये इंसानों पे भी आजकल यूज हो रहा है, तुम लोग जाते हो ना ब्लीचिंग कराने, चेहरा खिला खिलाते हो, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, आवारा तत्व किसे कहते हैं, हाइड्रोजन और दूसरा लड़के, धरती पे तो दो ही तो आवारा तत्व हैं, ठीक है। प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है, तो भैया जो हमारा ट्यूब रहता है ना, वैक्यूम ट्यूब जो कांच का बने रहता है, उसमें से लाइट आते रहती है, उसमें कौन सी गैस भरी रही है, आर्गन। आर्गन के बारे में हमने एक और चीज देखा था, कल बताया था, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी था, वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा गैस में से तीसरे स्थान पे आता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद आर्गन की बारी है। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपनी समाप्ति के कगार पे था, तो नागासाकी पर गिराए गए बमों में किस तत्व का उपयोग किया गया था, प्लूटोनियम का। किसका यूज किया गया था, परमाणु बम बनाया अमेरिका ने, एक्चुअल में 1938 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1900 कब से कब तक चला था, 38 की 39, 39 से 45, 6 साल चला है। तो उस समय 1940 या 41 के टाइम में ऐसा हुआ ना कि अमेरिका हमेशा ना स्मार्ट कंट्री रहा है, वो युद्ध में भाग नहीं लेता था, बिजनेस वाला है, पूंजीवादी राष्ट्र है, उनको कैसे भी बस पैसे से मतलब है, एथिक्स वेथिक्स उन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो वो क्या करता था, हथियार सप्लाई करता था, और युद्ध की स्थिति में हर राष्ट्र को हथियार चाहिए, मनमाने पैसे पे लोग खरीदेंगे ना जी। अब मान लो आपके घर में झगड़ा हो गया है, तो आप जाओगे ना कुछ हथियार हथियार व्यवस्था करने, आप लग रहा है कि हाँ झगड़ा सुलझ नहीं सकता, आक्रामकता अंतिम अवस्था में आ चुकी है, तो 2 लाख की चीज आप 4 लाख में उठा के लाओगे। तो अमेरिका मस्त पैसा बनाता था, इधर वालों को भी बेचता था, उधर वालों को भी बेचता था, ट्रिपल अलायंस ट्रिपल एंटा दोनों को बेचता था। जापान को ये चीज बुरी लगी, क्योंकि ब्रिटेन को हथियार सप्लाई कर रहा था, जापान तब इंपॉर्टेंट कंट्री था, जर्मनी जापान ये सब दुनिया के ताकतवर देश थे, तब रसिया वसिया का उतना नाम नहीं था, ठीक है। जापान ने क्या कर लिया, अमेरिका का एक नेवी बेस था जिसे हम नाम देते हैं पर्ल हार्बर, क्या नाम देते हैं, इसके ऊपर मूवी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो, उसमें रियल डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई गई है। तो अमेरिका युद्ध का हिस्सा नहीं था, जो राष्ट्र युद्ध का हिस्सा नहीं होते थे उन पे आक्रमण नहीं कर सकते थे, तटस्थ राज्य थे, पर जापान ने अमेरिका के नेवी बेस पे बम गिरा दिया, जिससे 3,000 तो ऑफिसर्स मर गए, मतलब 10-12 हजार लोग मरे, सारे के सारे सोल्जर्स। और अमेरिका की गवर्नमेंट में एक जो सोल्जर होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक सोल्जर या एक मरीन की भी अगर कहीं किसी दूसरे राष्ट्र में डेथ हुई है, तो पूरी यूएस गवर्नमेंट को कैटेगरी में खड़ा होना पड़ जाता है, वहां इतनी पावर है सोल्जर की, ठीक है। अमेरिका को बदला लेना था, दुनिया के जितने बड़े आला दर्जे के नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक सारे के सारे, खुद जर्मनी और जापान के वैज्ञानिक सबको किडनैप करवाया गया, 10,000 वैज्ञानिक, मतलब सब सबको किडनैप कराया गया, रोज 20-20 घंटा काम करवाया गया मजदूरों की तरह। 4 साल के प्रयास के बाद 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम बनाया जिसकी टेस्टिंग हुई नहीं थी, एक गिरा दिया 6 अगस्त को, दूसरा गिरा दिया 8 या 9 अगस्त को। वो धमाके ऐसे हुए कि जापान के दो सबसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो राज्य थे वो नक्शे से ही मिट गए, काला डे बोलते हैं उसको हम लोग, ब्लैक डे, हिरोशिमा और नागासाकी। अच्छा, ये बम का नाम पूछा जाता है, तो पहला बम जो गिराया गया था वो क्या था, लिटिल बॉय, ठीक है, वो थोड़ा छोटा बम था। उसके बाद 9 अगस्त को पहला हिरोशिमा पे गिरा, दूसरा नागासाकी पे गिरा, ये था फैट मैन, मोटा आदमी, तो मोटा आदमी जब गिरा ना, तो बहुत बड़ा प्रलय हुआ, तब तब लोग दहल गए, क्योंकि अमेरिका तो तुरंत गिरा दिया ना, 2 दिन में, समझ नहीं पाए कि यार इससे कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ। पर बाद में पता चला कि लगभग 2.5 से 3 लाख लोग स्वाहा, पहले तो जनसंख्या ही बहुत कम होती थी क्या जी, हमारे इधर गिरा रहता तो ये डाटा करोड़ों में चले जाता। चलिए आइए, तो प्लूटोनियम यूज किया गया था, बम का नाम याद रखेंगे,
लिटिल बॉय फैट मैन, लिटिल बॉय फैट मैन, ठीक है। ऐसे ही भारत में जो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था उसके ऊपर भी सवाल पूछता है, तो उसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, जो फेल हो गया था 1974। फिर 23 साल बाद हम लोग 1998 में फिर से एक्सपेरिमेंट किए, पोखरण 2 मूवी बनी है ना पोखरण, और फिर उसका नाम क्या था, मिशन शक्ति शायद ऐसे ही कुछ नाम था, देख लेना। सब सवाल पूछता है, कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन है ना ये भी। आओ, प्लूटोनियम डाइक्रोम सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन सा रंग उत्पन्न करता है, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, लैब में यूज किए हो आप लोग, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो कौन सा कलर यूज करेगा, हरा कलर, क्रोमेट ऑरेंज में जाता है, डाइक्रोमेट ग्रीन में जाता है, याद रहना, ठीक है। मिथेन और CO2 किसके मुख्य तत्व हैं, तो ये आप लोग का CGPSC का प्रश्न है, 2013 के आसपास का प्रश्न है कि भैया बायोगैस का मुख्य घटक में कौन लिया जाता है, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेन कौन है, तो भैया मिथेन मेन कौन है। अब बायोगैस पेट्रोल से ज्यादा बेहतर ईंधन है, पता है कि नहीं, पेट्रोल की जो हीट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब दहन उष्मा का जो मान है, वो 50 किलो कैलोरी के आसपास आता है, पर जो मिथेन है बायोगैस है इसकी 55 किलो कैलोरी के आसपास आती है, मतलब पेट्रोल तुरंत आग पकड़ता है, सबसे बढ़िया ईंधन में लेते हैं हम लोग पेट्रोल को, पेट्रोल से भी ज्यादा बेहतर कौन है, मिथेन है या बायोगैस है, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग आदर्श ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि एक तो बहुत अच्छा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, तुरंत दहन शुरू करता है और वातावरण को प्रदूषित नहीं करता, ठीक है। किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, सॉरी मूर्खों का सोना, किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, तो सर वो है पाइराइट। पाइराइट पीला पीला सोने के जैसा चमकते रहता है, वही बोलते हैं ना हर पीली चीज सोना नहीं होती, पर मूर्ख लोग के लिए हर पीली चीज सोना ही होती है, तो याद रखेंगे आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट, सब नाम सुने हो ना, ये सोने के जैसा शाइन करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको एक्चुअल गोल्ड ना बोल के फेक गोल्ड या फुलिश गोल्ड, मूर्खों का सोना कह सकते हैं, ठीक है। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है, कॉपर से। कैलोरीमीटर क्या नापता है, हीट, आपने 11 12th में नाम सुना होगा बम कैलोरीमीटर, बम कैलोरीमीटर नहीं था आप लोग के सिलेबस में, एले परीक्षा बोर्ड वाले हो ना तुम लोग, ठीक है। केमिस्ट्री के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में बम कैलोरीमीटर रहता था, डिवाइस रहता था, उसमें हम लोग हीट कैपेसिटी काउंट करते थे लास्ट में, तो बम कैलोरीमीटर का जो पात्र है, जो बर्तन है, वो किससे बना हुआ है। ऐसे ही जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, इन सब का पात्र किससे बना होता है, इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, विद्युत अपघट्य के रूप में किसका यूज करते हैं, सब पूछा जाता है। तो आप लोग का ना इलेक्ट्रिसिटी वाला अगर वीडियो डल गया होगा तो उसमें देख लेना, मैं आप लोग को सेल अलग से पढ़ाया, उसमें सारे सेल मैंने कवर किए थे कि डेनियल सेल क्या है, लेक्लांसी सेल क्या है, शुष्क सेल क्या है, हाइड्रोजन सेल क्या है, उसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, सवाल आ जाता है, फैक्ट है, फैक्ट कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, और ये सब ना इजी सवाल है, पता है तो रट्ट से बनाओगे, 2 सेकंड के अंदर आगे बढ़ोगे, और नहीं पता तो हे दा, है ना, कहां से पूछता है, नेगेटिव अलग कराओगे। आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्या बनती है, नाइट्रोजन परऑक्साइड, कोई नाइट्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला बताएगा, तो सर ये N2O5 है, 2017 शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन, जानना चेक करना, ठीक है। अच्छा मैं तुम लोग अपने ये वाला रूप पहले नहीं दिखाया, उन्हें मुझे सही में पूरे क्वेश्चन याद रह जाते हैं, जो मुझे पढ़ाने होते खुद के लिए नहीं रखते, खुद के लिए याद रह जाते तो आज IAS बन के कहीं बैठे रहते हैं ना जी। चलिए यहां ध्यान दीजिए, ये बनता है, ये सवाल पूछा हुआ था आप लोग के शिक्षक भर्ती में, और ये ACF का भी क्वेश्चन है, अब सब जगह आया हुआ इंडिया में, IIT का भी क्वेश्चन है, नीट का भी क्वेश्चन, नाइट्रोजन का, अच्छा पर ऑक्साइड बनाना था, सॉरी ये सवाल मगर पूछा हुआ था N2O5, ये इसका वो आंसर नहीं है, पर मैं इसका भी बस बता दे रहा हूँ। सवाल ये पूछा गया था कि नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बंध नहीं पाया जाता, ये सवाल था, नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बंध नहीं पाया जाता,
तो भैया इनके बीच में ऑक्सीजन आ गया ना, तो N2O5 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बंद नहीं पाया जाता, अपने को परऑक्साइड बनाना है। परऑक्साइड का अर्थ क्या होता है, तो चलो मैं आपको ये नया चीज सिखाता हूँ। ऑक्साइड्स बेसिकली कितने टाइप की हैं? ऑक्साइड का मतलब है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम रट के रखना है। ऑक्साइड हम तीन टाइप के लेते हैं। पहला कौन सा ऑक्साइड है सर? सामान्य ऑक्साइड बोले तो नॉर्मल ऑक्साइड। दूसरा हमारा आता है पर ऑक्साइड, और तीसरा हमारा आता है सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड का अर्थ होता है ऑक्सीजन से संयोग करके नए यौगिक का निर्माण करना, या ऑक्सीजनीकृत यौगिक, उसी को आप ऑक्साइड बोलोगे। तो ऑक्साइड तीन टाइप की हैं, कौन कौन सी हैं? नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। इनका अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा ना, ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसमें कितना आना चाहिए? -2। आधा करते जाओ तो -2 का आधा, तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? -1। और सुपर ऑक्साइड में इसका आधा कर दो तो -8। समझ में आ रहा है? कैसे पता चलेगा कि कब पर ऑक्साइड बन रहा है, कब नॉर्मल ऑक्साइड बन रहा है, कब सुपर ऑक्साइड बन रहा है? तो याद रखेंगे सभी लोग, पर ऑक्साइड तभी बनता है जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आने लग जाए, उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आने लग जाए, वर्ग संख्या से ज्यादा आए, तब हम लोग क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल ऑक्साइड में तो आप कुछ भी ले लो, आप Na2O ले लो, आप K2O ले लो, सब नॉर्मल ऑक्साइड है। आप Na पे क्या चार्ज आता है जी? +1। कितने Na हैं? अरे कितने आदमी थे, ठीक है, तो दोनों पे +1 +1, टोटल कितना चार्ज हो गया? +2। तर करके ऑक्सीजन पे क्या चार्ज चढ़ेगा? -2। -2 बोले तो कौन सा ऑक्साइड है? इस पे भी +1 × 2 टाइम्स, तो +2। तो यहाँ पर क्या आया? मैं ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, तो भैया इस पे पता है +2, इस पे पता है, तो जब भी ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ रहा है, किस टाइप का ऑक्साइड है सर? नॉर्मल ऑक्साइड। और नॉर्मल ऑक्साइड ज्यादा संख्या में पाई जाती है, तीनों ऑक्साइड में 99% हिस्सेदारी तो खाली नॉर्मल ऑक्साइड की है, ठीक है, पर हम लोग को डिटेल में जाकर पढ़ना है। अब ऑक्साइड आया, पर ऑक्साइड तो मैं पूरा जिक्र बता दिया। अगर हम आपसे ऐसा बोले CrO5, CrO5 इस एलिमेंट को पकड़ो, इस एलिमेंट पे अगर मैं इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने गया रहता है मैथमेटिकली, एक ऑक्सीजन पे क्या आता है? -2। अरे ऐसे लेते हो मैं सर X, इसका क्या ले लिए? ऑक्सीजन का क्या लेते हो? कितने आदमी थे? इक्वल टू, कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 से इक्वेट करना, तो एक्स -10 इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू सही है। पर आपको पता है ये सही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रुप नंबर 10 कौन सा ग्रुप है भाई, पता है क्या? आपने ग्रुपिंग जब पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल को, तब आपने देखा था कि 8 के ऊपर नहीं जाती, कभी भी वैलेंसी 8 के ऊपर नहीं जाती। अष्टक नियम बोलता है आखिरी क्वेश्चन में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। इधर कितने मिल रहे हैं? तो ये वाला रूल फॉलो कर रहा है? अरे कर रहा है ना, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 10, जो उसके ग्रुप नंबर से क्या आ रहा है? ज्यादा। ग्रुप नंबर से क्या आ रहा है? हमको पता है 10 संभव ही नहीं है, मैक्सिमम ग्रुप नंबर कहाँ जाएगा? 8। आप बोलो सर 18 ग्रुप होते हैं, पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग होते हैं? 18। पर ग्रुप नंबर जो होता है ना, मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक पी ब्लॉक ए क्लास है, जो हेलोजन फैमिली है वो 8A है, और बीच में जो डी ब्लॉक के 10 फैमिली है ना, उसको हमने लिखा था 3B से, उसको बी क्लास बोलते हैं, बी ऑफिसर से बी क्लास के, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B में तीन एक साथ आते हैं, आयरन फैमिली, कोबाल्ट फैमिली, निकिल फैमिली, जिसको आप लोग फेरोमैग्नेट के नाम से जानते हो, और 1B 2B बाद में आता है, कॉपर 1B फैमिली का है, जिंक 2B फैमिली का है। याद आ रहा नहीं आ रहा? पीरियोडिक टेबल लाओ ना, अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कोई रखा है क्या जी? अभी किसी के पास आधुनिक आवर्त सारणी है? आप पहले प्रैक्टिकल कॉपी में देखते थे, इसीलिए कॉपी खरीदते थे हम लोग। प्रैक्टिकल कॉपी बस मुझे थोड़ा सा जीवन में दुख दिया है, क्योंकि वो महंगा खरीदना पढ़ना अनिवार्य हो जाता था ना, बाकी मैं इतना अच्छा बच्चा था, मैंने कभी कॉपी खरीदी नहीं, पैसे नहीं होते थे, ठीक है, अपन रद्दी जाते थे 2 किलो खरीद के लाते थे, गोरा गोरा,
उसी को सिल सिल के पूरा गणित बना के अपना जीवन काट रहे थे। बट प्रैक्टिकल कॉपी खरीदना पड़ता था। उस समय मुझे याद है 12 रुपए का आता था, ठीक है, और 12 रुपए के लिए कई दिन तक आदमी सोचता था अरे यार लेना पड़ेगा। चलो तो CrO5 का हो गया, इस पे परऑक्साइड पाया जाएगा, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमियम 6 बॉन्ड बना सकता है, सिक्स ग्रुप का मेंबर है। बना दिया मैंने इसके 6 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया, बाकी कितने ऑक्सीजन बच गए? 4। तो ये देखो, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन और पांचवें ऑक्सीजन यूज हो गए जी। स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है CrO5 का। और ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? 2 बॉन्ड से। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है ना, तो ये वाला ऑक्सीजन तो खुश है, 2 बॉन्ड बना लिया है। पर ये लोग खुश है क्या? ये तो अकेले अकेले बॉन्ड में जुड़े हैं, इनको कितने बॉन्ड से जोड़ना है? दो। तो ये लोग आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। ये लोग क्या करेंगे सर? आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब बताओ, ये वाला ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 2। ये वाला 2, ये वाला भी और ये वाला भी 2। हर ऑक्सीजन खुश है। क्रोमियम भी कितना बॉन्ड बनाया है? 6। वो भी खुश है। तो स्ट्रक्चर हो गया बैलेंस। ये बॉन्ड जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं? परऑक्साइड बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है, तितली के जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तितली का पंख, तितली का सामने का मुंडी। तो दिस इज बटरफ्लाई, और इसका नाम क्या है? ब्लू बटरफ्लाई। ब्लू बटरफ्लाई। ब्लू बटरफ्लाई क्यों लिखा? क्योंकि क्रोमियम के कंपाउंड सामान्य रूप से हरे या नीले रंग में रहेंगे। अभी आपने देखा पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम था। अरे फॉर्मूला लिखे थे ना हम, वो कौन सा कलर का आया? हरा। यहाँ भी क्रोमियम है, कौन सा कलर आ रहा है? नीला। तो क्रोमियम साधारणता हरा और नीला कलर बनाता है। अभी आप लोग के फॉरेंसिक के पेपर में कलर वलर के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो जिस बच्चे को ये चीजें पता रहती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ा है, वो बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए, सुपर ऑक्साइड में इसमें आप लेंगे लाइक F2O, नहीं, FO2, FO2, KO2। हालांकि KO2 संभावना नहीं है, तो हमको पता है फ्लोरीन पे क्या चार्ज आता है सर? एक और एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसी में क्या आएगा? H2O2। H2O2 कैसा दिखता है? समझ में? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आया, जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आता है, उसी बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं? परऑक्साइड बॉन्ड। समझ में आ गया? तो ये परऑक्साइड के हमारे कुछ उदाहरण हो गए। हाइड्रोजन परऑक्साइड सबने यूज भी किया होगा, आता है 20-30 रुपए का डब्बा। कई बार आप लोगों को कट वट लग जाता है, चोट वोट लगता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बढ़िया रोगाणु नाशक का काम करता है, या डिटॉल लगा लेते हो तो डिटॉल जलन ज्यादा देता है, तो कई बार हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड से साफ करते हैं, ये कान में डालते हैं गंदगी निकालने के लिए, मस्त ज्वालामुखी फूटता है अंदर ही अंदर, ठीक है। सुपर ऑक्साइड में आप एग्जाम्पल लेंगे FO2, जैसे आपको पता है फ्लोरिन पे क्या है? -1, +2x ले लिया, इक्वल टू कितना चलेगा? अरे ऑक्सीजन का मैंने x लिया, कितने ऑक्सीजन है? 2। चलो 2x, ये -1 उधर जाके क्या हो गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, तो KO2 लो सर, ये मत लो, इसी को लो। तो पोटेशियम का कितना होता सर? तो ये उधर जाके क्या हो गया? -1, ठीक। और यहां पर फिर हमारा ऑक्सीकरण अवस्था कितना आया? -1/2। -1/2 का मतलब ये क्या है सर? सुपर ऑक्साइड। ये सवाल पूछ चुका है, सवाल पूछ चुका है कि KO2 क्या है? सामान्य ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो आप इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे। अगर ऑक्सीकरण संख्या -1/2 आ गई ऑक्सीजन की, तो आप समझ गए वो क्या है? सुपर ऑक्साइड। -1 आई तो परऑक्साइड, -2 आई तो जनरल ऑक्साइड, और अगर ऑक्सीकरण संख्या ग्रुप नंबर से ज्यादा आने लग जाए तो भी क्या केस है? परऑक्साइड। तीन टाइप के ऑक्साइड हमने पढ़ लिए। कार्बन में भी आपने ऑक्साइड पढ़े होंगे, कार्बन का आपने नाम सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सुना? CO2 एक गैस का और आप नाम सुनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। और भी कार्बन ऑक्साइड बनाता है क्या?
बनाता है। कार्बन तीन टाइप के ऑक्साइड बनाता है, दो हम ज्यादा पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक आता है कार्बन सब ऑक्साइड, ये सबसेनिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, उसमें मिक्सअप रहता है दोनों का। खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, अब मैं थोड़ा लिमिटेड हो जाता हूँ, क्योंकि ऐसे एक एक लाइन पे अगर आप बोलोगे ना, मैं एक एक घंटे का क्लास दे सकता हूँ, पर हम लोग आपसे करते हैं भाई, आगे की भी लाइंस तो पढ़नी है, बहुत सारे लाइंस हैं इसमें, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ जी अब, ठीक है। कौन सा तत्व तो सभी रंगीन यौगिक बनाता है जी? क्रोमियम। मैंने बोला था पोटेशियम डाइक्रोमेट में हरा कलर, वही आपने सीआरओ फाइव में देखा कौन सा कलर आ गया, नीला कलर। फिर हमने बोला पोटेशियम क्रोमेट लोगे तो कौन सा कलर आ जाएगा, नारंगी कलर। तो हर टाइप के कलर को कवर कर रहा है कौन? क्रोमियम। क्रोमियम लगभग सारे कलर के कंपाउंड बनाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। एनसीईआरटी के टेस्ट बुक में आप देखोगे तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट तो पूरा तीन चार पन्ना दे रहता है डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में, ठीक है। क्वार्ट्ज में कौन दो तत्व होते हैं? क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या है? SiO2, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सिलिका। स्पेशल टाइप का कांच में यूज होता है क्वार्ट्ज। इसमें कौन से दो तत्व है? साथ दिख गया, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन का ऑक्साइड क्या है? क्वार्ट्ज। और ये कैसा ठोस है? क्वार्ट्ज कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। अब अक्रिस्टलीय ठोस नाम लेते ही आप तत्काल प्रभाव से ये बात समझ गए, आप तत्काल प्रभाव से ये बात समझ गए कि समदैशिक होगा कि विषमदैशिक होगा, तो सवाल घुमा के पूछ देगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो ग्लास जो रहता है नैसर्गिक पोटेशियम और आपके सोडियम के सिलिकेट एल्यूमिनेट, यही सब रहते हैं, सीमेंट भी उसी से बनता है। अंडे का आवरण किससे बने रहता है ये पूछा जाता है, अंडे का आवरण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग छीलते हैं ना तो सफेद सफेद जो हार्ड टाइप का निकलता है उबलने के बाद, वो क्या है सर? कैल्शियम कार्बोनेट। आपका दांत भी किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट। हड्डियां भी किससे बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट। हालांकि हमारे दांतों में एक ऊपर से लेयर रहती है, हार्डेस्ट लेयर, जिसको हम लोग नाम देते हैं इनेमल। इनेमल हमारे मानव शरीर का सबसे कठोरतम चीज है, ठीक है। और अंडे के अंदर जो व्हाइट कलर का आपने दो चीज देखा होगा अंडे में, एक होता है व्हाइट हिस्सा और एक उसके अंदर रसगुल्ला छुपे रहता है पीला कलर का, ठीक है, योक। तो वो जो पीला रसगुल्ला है जिम वाले वो नहीं खाते ना, क्योंकि वो फैट है। ऐसे जिम वाले, एक बार जॉन ब्रायन बता रहा था कि मैं एक दिन में 30 से 40 अंडे खा लेता हूँ। अब आप हैरान हो गए होंगे, 30-40 अंडा आदमी कैसे खाएगा भाई, 3 के ऊपर तो 4 के ऊपर तो पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग जो जिम करते हैं ना, वो लोग एक्चुअल में अंडा पूरा नहीं खाते, उसका जो पीला वाला हिस्सा होता है ना योक, उसको हटा देते हैं, क्योंकि वो फैट है, वो तो शरीर में मसल गेन करने की जगह पे फैट बढ़ाएगा। व्हाइट वाला जो हिस्सा है ना, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एल्ब्यूमिन, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन। अंडा प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, तो प्रोटीन क्या है उसका सफेद हिस्सा। तो सारे जिम वाले जो लड़के होते हैं वो पीला वाला निकाल देते हैं, पीला वाला पेट भरता है, तीन में पेट भर जाएगा। आप सफेद आपको खाना रहे, आप कितना भी खा लो, तो नारियल वाला, नारियल पानी के अंदर से जो मलाई निकलता है वही है, 30-40 तो ये बेचारा साउथ ही खा जाएगा। जॉन एब्राहम क्या बात है, पर वो पीला रसगुल्ला 30-40 खाओ तो मैं मानू, जो उसके अंदर है ना वो भारी रहता है। साहू जी खाते नहीं खाते हैं? अरे कोई दूसरा साहू पकड़ो यार। आजकल तो सब धर्म में सब वैरायटी के लोग है ना, मतलब वेज नॉन वेज सब, ब्राह्मण लोग मस्त KFC के नाम पे पिघल जाते हैं। आंखों देखा हाल देखा, मैं जीवन भर आदमी नॉन वेज रहा है, सॉरी वेजिटेरियन रहा है, शुद्ध ब्राह्मण फैमिली, पर KFC का चिकन देख के उसका ईमान डोल गया, बोलता है बस घर में मत खाना। चलिए आइए आइए, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं ना, तो आप लोग कई बार ऐसे मेडिसिन लेंगे जिसके अंदर दाना दाना भरे रहता है मस्त, तो उसका जो लेयर है वो किसका बना हुआ है? स्टार्च का, जो बॉडी में जाके ग्लूकोज में टूट जाएगा, एनर्जी लेगा, ठीक है। मैं तो सोचता हूँ कि सर प्लास्टिक कैसे पिघलेगा अंदर जाके। कई बार बचपन में लगता होगा ना,
सर ये तो प्लास्टिक है सर, ये अंदर जाके कैसे पिघलेगा, फंस जाएगा तो कहीं, बट वो स्टार्च है, वो जाके डिकम्पोज हो जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज जैसे शरीर को एनर्जी देने का काम करेगा। डीडीटी दिस इज अ पेस्टिसाइड, ठीक है, और इस पे बैन लगा दिया गया। इस पे क्या किया गया, बैन लगाया गया। कब लगाया गया, 1965 में, 1964 में रोसल कार्सल, या रोसेल कार्सल कार्सन बोल सकते हो, वो एक क्या थी, पक्षीविद थी, पर्यावरणविद महिला थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, ठीक है। तो वो जंगल में रहती थी, पक्षियों के बीच में अपना जीवन, जितना भी दिन बच गया है उनको पता अब तो जाना ही है। और 1960 के दशक में कैंसर का उतना ज्यादा हाई ट्रीटमेंट का पॉसिबिलिटी भी नहीं था, पर दुनिया वाले जो बाहर के देश वाले ना खुल के जिंदगी जीते हैं। तो वो क्या की, वो जंगल में रहने लगी, रोज जानवरों पक्षियों हरियाली प्रकृति के बीच में, क्योंकि पता था आप तो मैं जाने वाली हूँ। तो वो देखी ना कि एक पंछी थी जो बहुत सुंदर गाना गाती थी, इसको हम लोग स्प्रिंग बर्ड बोलते थे। समय के साथ उस पक्षी की आबादी लगातार घटने लग गई, ठीक है। तो इसके दिमाग में क्यूरियोसिटी आई, यार ये क्यों हो रहा है, ये पंछी लगातार लुप्त क्यों हो रही है, और मैं तो प्रकृति के बीच में, जब यहाँ नहीं है तो शहरों में तो और नहीं होगी। तो बाद में उसने रिसर्च किया तो ये पाया कि डीडीटी के कारण उस पंछी की आबादी पर लगातार नुकसान हो रहा है। तो उसने किताब लिखी, द साइलेंट स्प्रिंग, स्प्रिंग बर्ड के ऊपर लिखी गई थी। तो किताब का नाम भी याद रखना, इन्वायरमेंट में पूछा जाता है, द साइलेंट स्प्रिंग। 1964 में ये बुक पब्लिश होती है, 62 में, और 1964 में इनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज ये ब्रेस्ट कैंसर से पहले से पीड़ित थी। अमेरिका में सिटीजन जो होता है ना, एक नागरिक, उसकी अपनी अधिकार है, उसकी मान्यता है, उसको माना जाता है नागरिक की, जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा हम लोग सस्ते नागरिक हैं, रोड पे चलते रहेंगे, पुलिस वाला थप्पड़ मार देगा, काहे मारे, खुजली हो रहा था हम कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। जेले हो, नहीं जेले हो, मैं तो झेला हूँ भाई, रायपुर महिला थाना के आगे से गुजर रहा था मैं उस दिन, पता नहीं उन लोग कौन सा धतूरा खा ली थी। जो गुजर रहा है, अगर वो नर प्रजाति का है, तो रोड है यार, वो रोड से गुजर रहा है, डंडा ही डंडा, क्यों नहीं पता, खुजली हो रहा है, और मैं तो गाड़ी टर्न कर लिया, लगना नहीं है, ठीक। और सबको पीटी है उन लोग, पता नहीं क्यों उनके मूड में चढ़ गया था उस दिन। कोई भी जा रहा हम सो, तो अंकल अंकल लोग नहीं बच रहे हैं, उनके सामने से गुजर रहे, एक डंडा, मैं बोला डंडा दिवस चल रहा है। तो हमारे यहाँ जो नागरिक है ना, उनके अधिकार थोड़े से उतने प्राइम में नहीं आते हैं, पर जब रसेल कार्सन की डेथ हुई 1964 में, उनकी बुक हो गई वायरल, उसमें डीडीटी के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताया गया था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक्शन लिया और डीडीटी को वर्ल्ड वाइड क्या कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। इसका पूरा नाम हमेशा पूछा जाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी। एक और आता है सर, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये दोनों के दोनों क्या है सर, कीटनाशक है, ये लोग क्या है सर, कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है। चलिए समझ में आ गया, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है, अमोनिया। इसीलिए अच्छा, अमोनिया कम घुलनशील है, अमोनिया कम घुलनशील है, बट यही अमोनिया का ही प्रोडक्ट में आप लोगों ने नाम सुना होगा, निक गैस, भोपाल गैस त्रासदी याद आया, 3 दिसंबर 1983 का टाइम था, 1984-1983, ठीक है, फोर्थ, चलो ठीक है। तो उसमें गैस थी मेथिल आइसोसाइनेट, अभी एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाया है माधव उस पर, द रेलवे मैन, 3 एपिसोड ही है उसमें, आप उसमें देखना कि वो क्या, मतलब उसमें रियलिटी दिखाई गई है, हम लोग तो खाली पढ़े रहते हैं, ठीक है। तो द रेलवे मैन करके एक छोटी सी, शायद कहीं दिख जाएगी आपको, यूट्यूब पर मिल जाएगी, रियलिटी दिखाया गया कि गवर्नमेंट कितनी नीरस होती है, जबकि लाखों लोग मरे थे उसमें। वो जल में घुलनशील रहती है, मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है, जल में घुलनशील है, इसीलिए नदी के उस पार के शहर वाले लोग बच गए थे। तो ये बीच में से एक नदी गुजरी थी, इधर वाले जो थे पूरे के पूरे भोपाल में जो थे वो लोग, मतलब तो कोई बचा ही नहीं था। सरकारी डाटा दिखाया है कि 3,000 लोग मरे थे, बट वास्तविकता ऐसी है कि कम से कम 35-36 हजार से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है, लगभग। और उसमें आरोपी किसको बनाया गया पता है, 2018 या 19 में जजमेंट आ रहा है, जिसमें 22 साल का लड़का आरोपी हो रहा है, घटना 1984 की, और लड़का पहले से प्लान किया था पैदा होने से पहले क्या बोलेंगे, कानून है कुछ भी रख देता है, जज चिढ़ गया तो पगला देते तुम लोग,
जन्म नहीं हुआ है उस समय। क्या बोलेंगे? कौन सा तत्व तो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? गोल्ड। कभी उससे कोई रिएक्शन होता नहीं, इसलिए गोल्ड पे कोई जंग भी नहीं लगता। सोने के जो आभूषण है कई सालों तक अपने प्राकृतिक रूप में बने रहते हैं। थोड़ा बहुत काला पीला होता है तो उसको फिर से जाके पॉलिशिंग करा लो। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में कौन सा तत्व तो मौजूद नहीं था शुरू शुरू में? आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी अभी जिस अवस्था में है, मतलब मानव सभ्यता या मानव जीवन के अनुकूल है, इस अवस्था में आने के लिए पृथ्वी 6 बार स्वयं को नष्ट की है। 6 बार पृथ्वी पर जीवन पनपा है, उड़ा है, पनपा है, उजड़ा है। एक बार तो मीटरोइड आके टकरा गए, 2-3 बार तो ऐसा हुआ, ठीक है, तब जाके आज का हमारा वातावरण ऐसा बन पाया स्वर्ग जैसा, जिसमें हर जीव, सजीव, जलीय जीव, स्थलीय जीव, मानव सभी सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जीवन बहुत सस्ता नहीं है। आप थोड़ा सा विज्ञान पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी कितना मेहनत करती है, और बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको खुद से प्यार होना शुरू हो जाएगा यार, क्या रचना है हम लोग। ठीक है, किस योगी को टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, और टेबल सुगर भी आता है आजकल क्यूब सुगर टाइप में? कौन सा गैस वायु को दूषित नहीं करती? कार्बन डाइऑक्साइड। बस ये ग्लोबल वार्मिंग करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है, प्राइमरी में नहीं आता। मोटर कारों से निकलने वाले उजले धुएं में कौन सा तत्व पाया जाता है? लेड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। यूरोप की जनसंख्या कम पाई जाती है, एशिया की जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, सबने देखा ये चीज। अरे एशिया में तो चाइना और इंडिया है, 3 अरब, यहीं पे मामला खत्म। 1.5 अरब हमारे पास, 1.5 अरब उनके पास, लगभग लगभग एशिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यूरोप की बहुत कम है। जैसे आपने अमेरिका का नाम सुना होगा, कौन नहीं सुना है सर, हमारे यहाँ तो गांव भी है ना, अमेरिका पा ताता पानी, नहीं सुना हो क्या? अरे देवरानी जेठानी का मंदिर कौन सा गांव में है? अमेरिका पा गांव का नाम है। ठीक है, चलो मैं बस ये बता रहा था, अमेरिका के झंडे में 50 तारे आपको दिखेंगे, मतलब वो 50 देशों का संघ है, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ USA बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इन 50 देशों की जनसंख्या पता है कितनी है? 50 देश मिला के इन 50 देशों की जनसंख्या हमारे यूपी और बिहार को मिला दिया जाए तो उससे कम है। बोलो टोटल 33 करोड़ या 36 करोड़ है। यूपी अकेले खड़ा है 26 करोड़ पे, और बिहार खड़ा है 12 करोड़ पे, तो हम पहुंच जा रहे 38 करोड़ पे। ठीक है, तो आप इतना मान के चलिए कि यूरोप की जनसंख्या कम है। कारण क्या था? तो कारण था मोटर कार। अब बोलोगे ये कैसे? तो अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मोटर कार की डिस्कवरी यूरोप में पहले हुई, एशिया बाद में थोड़ा सा औद्योगिकीकरण से पीछे रहा है, उससे फायदा भी हुआ है, लोग ज्यादा जी गए यहाँ पे। तो मोटर कार्स पहले आती थी और वो डब्बे टाइप की आती थी और ट्रैक्टर जैसे भड़बड़ भड़बड़ आवाज करती थी, देखे हो ना पुराना विंटेज। अभी की गाड़ी तो बगल से गुजरते पता नहीं चलता है, फैक्ट है, क्योंकि पहले वो जो जो उनका फ्यूल था ना वो आवाज करता था, और आवाज के कारण नॉइस एनर्जी लॉस हो रही है, तो इंजन की दक्षता पे भी कमी आती थी। तो एक वैज्ञानिक था, वो उस समय का केमिस्ट्री का अल्बर्ट आइंस्टीन था, उसके जितना आविष्कार या केमिकल पे काम किसी ने किया ही नहीं, रियल स्टोरी है बता रहा मैं। उसका नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि उसका नाम एस लेटर से होता है, मेरा भी एस है इसलिए मैं नाम नहीं लेता, वो मोल्ड मोल्ड था। ठीक, तो हुआ क्या, वो हैरी पॉटर में मोल्ड मोल्ड का नाम नहीं लेना होते ना, देखियो नहीं देखियो हैरी पॉटर, हाँ उसमें मोल्ड मोल्ड का नाम नहीं लेना रहता है, खतरनाक था वो। तो भैया मोटर कार में क्या होता है कि उस बंदे ने ना यही काम किया कि इंजन को शांत कैसे किया जाए, उसने 2 केमिकल बनाए, पूरे उस समय के जितने उपलब्ध केमिकल थे सब पे रिसर्च किए, 2 बनाए। एक केमिकल आया TEL, दिस इज टेट्रा एथिलीन लेड, और दूसरा केमिकल उसने बनाया एल्कोहल। क्या बनाया सर? एल्कोहल। दोनों उसने बोला कि अल्कोहल से भी इंजन शांत हो जाएगा, इंजन जैसी TEL की एक बूंद पड़ने पे ना पूरा इंजन शांत। अब इंजन का नॉइस एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो वो एनर्जी इंजन के साथ जुड़ जाएगी, जिससे उसकी कैपेसिटी, उसका माइलेज बढ़ने लग गया, और एक बूंद में चमत्कार होता था TEL के। सेकेंड ऑप्शन उसने दिया जरूर था क्या, एल्कोहल, पर लोगों ने यूज नहीं किया, क्योंकि भैया यूरोप वाले तो एल्कोहल खाने पीने में यूज करते हैं रोज, ठीक है,
उनके हिसाब से हम खाने पीने की चीज वो गाड़ी में डालें, कम हो जाएगा हमारा रात वाला स्टॉक। इसीलिए उन लोग इसको नकार दिए। आज के डेट में आप लोग देखोगे ना, तो जितना भी आप लोग पावरफुल डालते हो, पेट्रोल पंप पे जाते हो तो पावर वाले एक अलग से रहता है ना, उसमें क्या है, अल्कोहल तो है। या स्कूटर चलाते थे, स्कूटर बड़बड़ा आवाज ज्यादा करता था तो उसमें एक पाउच डाला जाता था, 10 रुपए का आता था एक पाउच अलग से। आजकल भी देखे होंगे, वो क्या है, अल्कोहल है। अब दुनिया अल्कोहल यूज करती है, उस समय नहीं यूज की क्योंकि खाने पीने में यूज होता था। तो उन्होंने किसको यूज किया, टीईएल। और टीईएल में क्या छुपा है, लेड। लेड इंसानी शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए शहर का शहर साफ होने लगा। ठीक है, एक एक बार में कई कई हजार लोग मर रहे थे, लोगों को लगा कि कोई महामारी आ गई है। बाद में रिसर्च पे पता चला यार ये महामारी तभी आई है जब टीईएल का प्रोडक्शन बढ़ा। और ये बंदा इतना स्मार्ट था ना कि केस करते थे तो ना ये सामने वाले का वकील और जज सब खरीद लेता था, पैसे बहुत थे। ठीक है, धरती के सबसे रिचेस्ट में आ गया था ये। तो जितने लोग अलग अलग देशों से भी केस किए ना, आपका वकील ही मेरा काम करेगा, जज भी मेरा ही रहेगा। तो रोका नहीं गया इस केमिकल को, दैट्स द यूरोप की पूरी जनसंख्या पे जबरदस्त असर पड़ा। और आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे पृथ्वी के प्रदूषण का लगभग 90% जिम्मेदारी अकेला आदमी है। इस अकेले आदमी ने पूरे पृथ्वी के प्रदूषण का 90% हिस्सेदारी खुद निभा दिया। आज हमारी पृथ्वी जितनी प्रदूषित है उसका लगभग 89% पॉल्यूशन इस केमिकल के कारण हुआ। ठीक है, नेस्कैफे में आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, मैगी में लेड निकल गया था। तो इमिडिएटली सारे यूनिट से उन्होंने क्या किया, दुकानों से वापस मंगाया मैगी को, उसको बर्न किया, 2 रुपए बढ़ा दिया, फिर 2 रुपए और बढ़ा दिया। पहले 10 की आती थी ना मैगी, अभी 12 हुई, फिर अभी तो मेरे ख्याल से 14-15 चल रही है, क्योंकि लेड इंसान के शरीर में जाएगा तो खत्म। वो तो अच्छा हुआ नेस्कैफे ने पूरे के पूरे अपने हर दुकान से यूनिट को मंगाया, नहीं तो बैन हो जाती कंपनी। ठीक है, यही लेड निकला किसमें, जॉनसन एंड जॉनसन में। भारत में तो सारे गंदे प्रोडक्ट एकदम फ्रैंकली बेचे जाते हैं, जैसे भारत में विक्स का प्रचार आता है, विक्स की गोली खाओ, खिचखिच को भगाओ। आपको पता होना चाहिए कि विक्स पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में बैन है, पॉइजन माना जाता है उसको। अमेरिका के 50 देशों में कहीं भी आप विक्स नहीं बेच सकते हो। यहाँ पर बकायदा विराट कोहली आके एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे और लोग कोहली साहब बोले हैं तो लेने का है। जॉनसन एंड जॉनसन ऑयल, माँ का आशीर्वाद, बेबी का प्यार, मस्त बेचते हैं। यूरोप में जॉनसन एंड जॉनसन पे 3,500 करोड़ का फाइन मारे हम लोग, कंपनी डूब गई। कंपनी का नेटवर्थ 1,000 करोड़ का होता है, 3,000 करोड़ का फाइन चले गया। चलो ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं भेज दिया हूँ, एक राउंड आप लोग देख लेना, ज्यादा समय लग जा रहा है इसमें नहीं, पर ठीक है, डिटेल में चीजें हुई, कई कई हमने आउट ऑफ बॉक्स जाके भी चीजों को पढ़ा। ठीक है, मिलते हैं।